अगर आपका मोबाइल भी स्लो काम कर रहा है तो आपने ठीक वीडियो का इंतखाब किया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी सेटिंग करने से आपके मोबाइल की स्पीड डबल हो जाएगी। अभी बता दे भाई, अभी तो बता सबसे दे। पहले आपने सेटिंग में जाना है, उसके बाद आपने अबाउट फ़ोन, ये आपको नीचे लिखा नज़र आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये विंडो ओपन होगी तो आपने यहाँ पे आना है सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में, जो आपके सामने ऊपर नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने आपको नज़र आ रहा होगा बिल्ड नंबर। यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि बिल्ड नंबर को आपने 7 दफ़ा प्रेस करना है। नीचे आपको ये शो भी हो रहा होगा, ये देख नीचे शो हो रहा है अभी कितने स्टेप करने हैं, और ये एक आखिरी स्टेप, ये मैंने स्टेप कर दिया है। और यहाँ पे वो आपसे मांग रहा है पासवर्ड, जो कि मैं अपना विंडो का पासवर्ड दे रहा हूँ मोबाइल का। जैसे ही मैंने वो पासवर्ड दूंगा तो ये मेरा डेवलपर के लिए क्रिएट हो जाएगा। तो अभी मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ, तो ये मेरा देखें आप डेवलपर हो चुका है। तो इसके बाद आपने ये करना है कि इसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद फर्दर एक सेटिंग है जो आपने करनी है, और उससे करते ही आपके जो मोबाइल की स्पीड है वो डबल हो जाएगी। तो करते हैं, दोबारा आपने बैक जाना है, सेटिंग पे आना है, और ये सिस्टम इसको क्लिक करना है। इसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है डेवलपर ऑप्शन, ये अब आपका बन चुका है। तो डेवलपर ऑप्शन पे आपने आना है, इसके स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे आपको 3 ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आपको मैं बताता हूँ। एक उस पे आ रहा है विंडो एनिमेशन, ट्रांजिशन एनिमेशन और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। इन तीनों की आपने जो स्केल है वो चेंज कर देना है, इसका कर देना है 0.5, दूसरे का भी इसी तरह कर देना है, और तीसरे का भी इसी तरह कर देना है। उसके बाद जब ये पॉइंट आप 0.5 तीनों का कर देंगे तो आपने बैक आ जाना है, और आपने मोबाइल से जो भी यूज़फुल नहीं है आपके लिए ऐप वो आपने डिलीट कर देनी है। डिलीट करने के बाद एक दफ़ा आपने मोबाइल को रीस्टार्ट करना है, और उसके बाद देखिएगा कि आपके मोबाइल की स्पीड डबल हो चुकी होगी।